हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने बिल्कुल मत भूलिएगा। आज का रेसिपी है मिक्स दाल की सब्ज़ी साथ में मसाला रोटी। चलिए बनाते हैं। आज के सब्ज़ी के लिए जो छौंक पड़ेगा उसमें जीरा और सूखे लाल मिर्च हम डालने वाले हैं। सब्ज़ी में पड़ेगा एक बड़ा टमाटर जिसे हम छोटे छोटे टुकड़े में काट के रखे हैं। हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर हम एक चम्मच लिए हैं। और लहसुन लिए हैं जो हम छौंक में डालेंगे। साथ में कड़ी पत्ता है थोड़ा सा। एक बड़ा प्याज और साथ में 2 से 3 हरी मिर्च को छोटा काट के रखे हैं और धनिया पत्ता को काट के रखे हैं गार्निशिंग के लिए। मिक्स दाल में हमने इस्तेमाल किए हैं राजमा, अक्का मसूर, अक्का मूंग, छोले। ये 4-5 जो दाल है इसे हम साथ में मिला के अच्छे से साफ करके धो के 4 से 5 घंटा भिगो के रखे थे। अब इसको ड्रेन करने रखे हैं। इसकी पूरी तरह से अच्छे से पानी ड्रेन हो जानी चाहिए। ये है सब्ज़ी के सामग्री। चलिए अब हम सब्ज़ी बनाते हैं। सब्ज़ी बनाने के लिए हमने एक कढ़ाई ले लिए हैं और सरसों का तेल का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। तेल गरम हो चुका है। अब हम इसमें एक एक करके छौंक के सामान डालेंगे। पहले लहसुन, फिर जीरा, सूखे लाल मिर्च, कड़ी पत्ता। इसे हम थोड़ा सा भून लेंगे। अब प्याज और हरी मिर्ची डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। अब हम इसमें एक एक करके सब के सब जो दाल हमने भिगा के रखे थे वो दाल हम डाल देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। बहुत टेस्टी रेसिपी है और आसान सा रेसिपी है। आप ये कभी भी घर में बना सकते हैं। नाश्ते के लिए, टिफ़िन के लिए, ऑफिस में जो लोग जाते हैं वो लोग भी इसे बना के टिफ़िन लेके जा सकते हैं। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको थोड़ा देर ढक के पकाएंगे ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। देखिए टमाटर काफ़ी हद तक गल चुका है। अब हम इसमें हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर डालेंगे और इसे मिक्स कर देंगे। नमक मिला लेंगे अपने स्वाद अनुसार। अब इसको ढक के लो फ्लेम में 5 से 10 मिनट पका लेंगे। ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, थोड़ा सा ही पानी हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। सब्ज़ी की तरह हमको ये दाल बनाना है। अब इसे हम 10 मिनट तक पका लिए हैं।
लीजिए, सब्ज़ी बनके तैयार है। ये सब्ज़ी पूरी तरह से बनने के लिए कम से कम 15 से 20 मिनट आपको लगेगा। इसे हम थोड़ा देर रख देंगे और अब हम बनाएंगे मसाला रोटी। बहुत ही आसान सा ये रेसिपी है, ये घर में आप ज़रूर बनाइए और मुझे बताइए कैसा लगा आपको। चलिए अब मसाला रोटी बनाने की तैयारी करते हैं। मसाला रोटी के लिए हम लिए हैं 2 कप गेहूं का आटा, जिसमें हम काला जीरा, जीरा, नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर मिलाएंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आपको स्पाइसी नहीं चाहिए तो आप लाल मिर्च पाउडर जो है वो माइनस कर सकते हैं। ज़्यादा नरम डो नहीं होगा ये, इसमें अभी हम थोड़ा सा तेल मिलाएंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद 10 से 15 मिनट के लिए इसके ऊपर ढक्कन लगा के कवर करके रख देंगे। लीजिए 10-15 मिनट हो गया है। अब इसमें से हम छोटे छोटे बॉल बना लेंगे और रोटी बनाएंगे। रोटी के साइज़ आप अपने घर में जैसे बनाते हैं उस हिसाब से बना सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं जैसा मैं बना रही हूँ वैसे ही बनाना है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप रोटी का साइज़ छोटा या बड़ा बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। लीजिए हम छोटे छोटे जो है रोटी का बॉल बना लिए हैं। अब इसमें इसको बेलेंगे, 4-5 रोटी हम पहले बेल लेंगे और फिर उसे फ्राई करेंगे। बहुत ही सिंपल सा रेसिपी है, बहुत ही आसान है, आप ये आसानी से घर में बना सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये रेसिपी के लिए हमें कुछ अलग से सामान की ज़रूरत है, जो घर में रह रहा है सामान उसी से ही हम बना रहे हैं। मेरी रोटी इतना अच्छा नहीं बनता है तो इसके लिए आप लोग बुरा मत मानिएगा, इतना गोल रोटी नहीं बनता है मुझसे। चलिए तवा तो ले लिए हैं। अब इसमें जैसे ही तवा गर्म हो जाता है एक एक करके रोटी हम बना लेंगे। हम दोनों तरफ से तेल से फ्राई किए हैं रोटी को। आप चाहे तो घी लगा के भी इसे फ्राई कर सकते हैं। इस तरह से आप जो 4-5 रोटी हमने बना के रखे हैं, बेल के रखे हैं, उसे हम फ्राई कर लेंगे।
लीजिए सब्ज़ी और मसाला रोटी, मिक्स डाल के सब्ज़ी और मसाला रोटी बन के तैयार है। अब इसे आप गर्मा गर्म खा सकते हैं। आप चाहे तो इसे टिफ़िन में भी लेके जा सकते हैं और कभी भी घर में आप इसको बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी है ये। ये रेसिपी आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर करने बिल्कुल मत भूलिए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आगे भी और भी अच्छे अच्छे रेसिपीज़ आपको हम बना के दिखा सकें। बस इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे और एक नए और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।